हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंजल और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आपने जैसे थंबनेल मेरा देखा है, ऐसे कि मेरा मोनेटाइजेशन जस्ट 1 वीक के अंदर ऑन हो गया है गाइस। और ये जो है वो कैसे ऑन हुआ है, मोनेटाइजेशन में जाने से पहले मैंने क्या क्या चीज़ें की थी, मैं वो सब अपने आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है गाइस, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में आपको मोनेटाइजेशन रिगार्डिंग जो भी सारी क्वेरी है, मैं सारी आपकी क्लियर कर दूंगी। तो आपको और कोई वीडियो देखने की या और कोई क्वेरी आपके माइंड में होगी, वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलो हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, और मैंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा था। और अगर आपका भी चैनल है, आप यूट्यूबर हैं और आपका भी चैनल है और रिव्यू में जाने वाला है या रिव्यू में पड़ा है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी वो आज मैं बताऊँगी, वन बाय वन बताऊँगी, सारी बातें बता देती हूँ। सबसे पहले हम थंबनेल से गाइस स्टार्ट करते हैं। तो थंबनेल आपका कुछ भी, यानी कि आपके वीडियो रिगार्डिंग है और उसमें थोड़ा भी प्लस माइनस है तो चलता है, और बेटर वो रहेगा कि थंबनेल में आप जो भी पीक लेते हो वो खुद के पीक हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर आपके पीक एक ऐड कर दो थंबनेल में तो वो बेटर रहता है। उसके बाद हम टाइटल की बात करते हैं गाइस। तो टाइटल में हम क्या करते हैं कि कहीं बार क्लिक बेट के लिए या मिसलीडिंग टाइटल डाल देते हैं कि जिसकी वजह से शायद व्यूज़ आ जाए वो सब, तो वो मत कीजिए। आप आपका जो कंटेंट है गाइस, आप वही टाइटल डालिए, वही टाइटल लिखिए, उसके अलावा और कोई भी मिसरीडिंग टाइटल मत यूज़ कीजिए। और जब भी आपका रिव्यू में जाने वाला हो तब तो आप बिल्कुल ऐसा कुछ मत कीजिए, अपने टाइटल को सही टाइटल ही आप डालिए। उसके बाद हम गाइस जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके वीडियो में आप देखते हैं तो आपके वीडियो में आपने कोई भी ऐसी लिंक डाली है जो लिंक थ्रू व्यूअर्स आपके सब्सक्राइबर है वो वहाँ जाते हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, या वो जो लिंक है वो सेफ नहीं है या वायरस वाली है, तो मत डालिए ऐसा कुछ, इससे प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कीवर्ड्स होते हैं तो बहुत सारे कीवर्ड्स या गाइस हम डालते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक रोटी का वीडियो बनाया है कि हाउ टू मेक रोटी, ठीक है, तो रोटी का वीडियो बनाया तो हम रोटी के तो कीवर्ड डालते ही है। उसके साथ हम सब्जी के भी डालते हैं, दाल के भी डालते हैं, चपाटी के सॉरी सब्जी दाल के, और जो राइस के होते हैं हम मतलब सारे टाइप के डालते हैं। हमारा कंटेंट है सिर्फ रोटी का, लेकिन हम डालते हैं सब्जी के, दाल के, चावल के, सब के। तो गाइस ऐसा नहीं करना है। आपका रोटी की बनाना है वाला वीडियो है तो आप रोटी रिगार्डिंग ही कीवर्ड डालिए। कीवर्ड भी आप बहुत ही कम डालिए, क्योंकि मैंने तो क्या किया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ बता रही थी। मैंने तो जो मैंने भी बहुत सारे कीवर्ड्स डाले थे, लेकिन मुझे माइंड में ऐसा था कि मैं कीवर्ड है वो निकाल दूँ। तो मैंने जब रिव्यू में गया उसके बाद, उसके 2-3 बाद जब रिव्यू में चला गया था, पड़ा था 2-3 दिन से, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि मुझे कीवर्ड हटा देने चाहिए। तो मैंने मेरे सारे कीवर्ड हटा दिए तब, और जो टैग थे वो भी मैंने हटा दिए। टैग भी गाइस आप 4 से 5 यूज़ कीजिए, बहुत मत यूज़ कीजिए। जब रिव्यू में हो तब की ये बात हो रही है, उसके आगे पीछे रिव्यू में नहीं है या रिव्यू में से आ गए उसके बाद आप कर सकते हो। लेकिन जब कोई वहाँ पे आपकी चैनल पूरी चेक कर रहा है तो आपकी चैनल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और उसमें कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम ना होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द आपका मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हो सके और आप कुछ अर्न कर सके। तो कीवर्ड मैंने सारे गाइस निकाल दिए थे, टैग थे वो भी मैंने सारे निकाल दिए थे, और हैशटैग की बात करते हैं तो हैशटैग भी मैंने बहुत सारे डाले थे। मैंने टाइटल में डाले थे, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले थे, लेकिन मैंने जब रिव्यू में गया उसके 2-3 दिन बाद मैंने टैग भी सारे हैशटैग जो होते हैं ना वो भी मैंने सारे डिलीट कर दिए थे। तो गाइस ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। बहुत सारे कीवर्ड मत डालिए, मिसलीडिंग टाइटल मत डालिए, कोई ऐसी लिंक मत डालिए जिससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं, तो आप जब भी मोनेटाइजेशन में आपका जाने वाला होता है तो आपको पता ही होता है कि आपके वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है। तो गाइस उससे पहले आप अपनी चैनल को अच्छे से, जो भी वीडियो है आपके 30, 40, 50 जो भी वीडियो है आप अच्छे से उसको देख लीजिए, पूरे के पूरे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन से लेके टैग से लेके टाइटल थंबनेल सारा चेक कर लीजिए गाइस, 2-3 बार अच्छे से छानबीन कर लीजिए। उसके बाद रिव्यू में भेजिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि रिव्यू में भेजना होता है
या क्या होता है। तो नहीं गाइज, रिव्यू में अपने आप चला जाएगा जब अपना आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो रिव्यू में अपने आप चला जाएगा। हमारी तरफ से हमें कोई प्रोसीजर नहीं करनी है। और जब हमारा ऑन होगा तो अपने आप मेल आता है यूट्यूब से कि आपका ऑन हो गया है, तभी भी हमें कुछ भी नहीं करना होता है। और गाइज, अगर बहुत सारे लोगों को, मुझे खुद खुद को ऐसा था कि रिव्यू में जाने के बाद कोई ऐसे वीडियो हमें बाद में याद आते हैं, या बाद में ऐसा माइंड में डाउट आता है कि यार ये वाला जो वीडियो था ना थोड़ा सा डाउटफुल है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको अब डिलीट कैसे मारूँ, रिव्यू में चला गया तो मार सकता हूँ या नहीं मार सकती हूँ, मतलब वॉट एवर। तो मुझे भी ऐसा कन्फ्यूज़न बहुत था। तो मेरे रिव्यू में के जाने के बाद मैंने मेरे दो वीडियो डिलीट किए थे। रिव्यू में 3 दिन 4 दिन से पड़ा था, उसके बाद मैंने दो वीडियो डिलीट किए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, रिव्यू में जाने के बाद जब रिव्यू में पड़ा होता है तब भी आप अपना वीडियो, कोई भी लगता है कि यार ये वीडियो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो आप डिलीट मार सकते हो गाइस। और प्राइवेट मत कीजिएगा, प्राइवेट करने से भी वाइटी को तो सब दिखता ही है, आपको ऐसा होगा कि चलो ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल है तो हम प्राइवेट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन नहीं, प्राइवेट करोगे तो भी वाइटी को दिखेगा, तो आपको क्या करना है, सीधा डिलीट मारना है। कीवर्ड्स, टैग, हैशटैग जो भी है आपको डाउटफुल लगता है वो सीधे डिलीट मार दीजिए गाइस। जब तक रिव्यू में है तब तक डिलीट मारिए, नीट एंड क्लीन आपका चैनल रखिए। कोई भी हैक वाले या कोई भी ऐसे जो होते हैं जो नेगेटिव मैसेज स्प्रेड करते हैं, ऐसे वीडियो है तो आप डिलीट कर दीजिए। आप अपना मोनेटाइजेशन जल्दी से ऑन करवाना चाहते हो गाइस, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब दिन ब दिन वाईटी के जो रूल्स है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। और वन मोर थिंग कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि आप विदाउट फेस, कंटेंट तो आपका खुद का ही है, ठीक है, वॉइस भी आपका खुद का ही है, लेकिन आप विदाउट फेस वीडियो बनाते हैं तो क्या आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा या नहीं होगा। मेरे साथ मेरे दो और फ्रेंड का भी गया था, उसमें से एक मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने, उनका खुद का ही कंटेंट था, उनका खुद का ही वॉइस था सारे वीडियो में, लेकिन विदाउट फेस वाला था। उनका भी 8 दिन के अंदर चालू हो गया है मोनेटाइजेशन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप विदाउट फेस बनाओगे तो आपका नहीं होगा, हाँ हो जाएगा, विदाउट फेस बनाओगे फिर भी जल्दी से हो जाएगा। कंटेंट खुद का रखिए गाइस। और जो भी है, अगर आपके अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक है या कम्युनिटी गाइडलाइंस वाली वीडियो पड़ी है तो उसको हटा दीजिए गाइस, डिलीट मार दीजिए सीधा। और रिव्यू में जाने के बाद हमें लगता है कि रिव्यू में जाने के बाद डिलीट नहीं मार सकते, मारिए। और आपको ऐसा लगेगा कि जब हम डिलीट मारेंगे शायद तो उसका WT है, वो रिव्यू में जब जाने के बाद हम मारेंगे तो शायद कम हो जाएगा, तो नहीं होगा गाइस, सिर्फ आपके व्यूज़ कम होंगे। रिव्यू में जाने के बाद आप जब डिलीट मारोगे ना गाइस तो आपका WT कम नहीं होता है, सिर्फ आपके जो वो वीडियो पे व्यूज़ आए होते हैं वो ही कम होते हैं। तो हमें अभी व्यूज़ नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ WT ही देखना है। तो आप बेधड़क वो जो भी आपको डाउट है वो डिलीट मार दीजिए, और जो भी है सारा क्लियर रखिए आपका जो है, और खुद का कंटेंट होगा तो बेटर होगा। तो मैंने ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखा था, तो मेरा 1 वीक के अंदर मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है और आपकी जो भी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके रिप्लाई करूँगी। मुझे जितना नॉलेज होगा उतना ही मैं रिप्लाई करूँगी गाइस। तो अब तक बने रहने के लिए थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।